ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं करीब 900 लोग इस घटना में घायल हो गए। लेकिन तीन ट्रेनों के बीच ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ, इसे लेकर अब शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। इसे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में हादसे के पीछे सिग्नल से जुड़ी गलतियों की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया, सावधानी पूर्वक जांच के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब मेन लाइन पर 1284 कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए पहले तो सिग्नल दे दिया गया, फिर उसे बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक वो ट्रेन अप लूप लाइन में घुस चुकी थी। फिर वो अप लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकरा गई और फिर डीरेल हो गई। अब इस रिपोर्ट को हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये हादसा बन्नागा बाजार स्टेशन के पास हुई। इस स्टेशन से होकर तीन ट्रेनों को गुजरना था। रिपोर्ट में बताया गया है कि बन्नागा बाजार स्टेशन से 1284 कोरोमंडल एक्सप्रेस को पास होना था। जब ये ट्रेन बन्नागा बाजार स्टेशन के पास पहुंची, तो इस ट्रेन के ड्राइवर को थ्रू लाइन का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये ट्रेन तब 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, लेकिन कांटा कुछ ऐसा बना हुआ था कि ट्रेन मेन लाइन पर ही जाने के बजाय लूप लाइन में चली गई और उसी लाइन पर पहले से मौजूद मालगाड़ी से इस ट्रेन की जबरदस्त टक्कर हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से टक्कर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से कुछ डिब्बे तो पलट गए, कुछ डिब्बे अप मेन लाइन पर चले गए, कुछ डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए और कुछ डिब्बे डाउन मेन लाइन की तरफ भी चले गए। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, हादसे के तुरंत बाद वहां बन्नागा बाजार स्टेशन से गुजर रही 1864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और वो डाउन मेन लाइन पर पलटी कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बों से टकरा गए। इसमें हावड़ा सुपर फास्ट के भी दो डिब्बे बेपटरी हो गए, इसके डिब्बे भी पलट गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस दुर्घटना से रेलवे को कितनी क्षति हुई, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया गया। इसका असेसमेंट बाद में किया जाएगा। फिलहाल रेलवे का ध्यान राहत और बचाव कार्यों पर है। हालांकि हादसे की वजह को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी एक बयान सामने आया। इसमें उन्होंने तकनीकी कारणों को हादसे की वजह बताई है। लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। रेल मंत्री जी स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं या खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं। पूरा भारत सरकार की राज्य सरकार की सारे एजेंसी रेस्क्यू की काम पे लगे हैं। लोगों को चिकित्सा करना पड़ रहा है, कईयों का दुर्भाग्यजनक स्थिति में मृत्यु भी हुई है, उनको भी देखभाल करना पड़ रहा है, उनके परिवार वालों को देखभाल करना पड़ रहा है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 2 जून की शाम को इस घटना के बाद शनिवार सुबह रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर दुर्घटना का जायजा लिया। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।